इन लोगों की सोच है, इन लोगों की सोच तो है अगर हम जीत गए मुस्तफा को ठीक करेंगे, अगर हम लोग जीत गए मुस्तफा को निकालेंगे यहाँ से, ये इनकी सोच है। मैं तो इनके बारे में खुदा की कसम में सोचता ही नहीं। ये तो यहाँ इलेक्शन में जब आप बोल रहे हैं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन मुस्तफा नहीं लड़ रहा है, नरसिया लड़ रही है, एक सोच लड़ रही है, शायद को समझ में आ गया। आप 22 साल में, मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज कहता हूँ, एक मुझे कोई गैर मुस्लिम सिख भाई दलित हिंदू भाई आके कह दे कि मजहब के नाम पर मुस्तफा ने हमारे साथ ज्यादा की, मैं अपना बिस्तर बोरिया उठा दिया। वाइडर सेंस में आप कौम की बात करते हो, कौमी एकता, कौमी एकता का क्या मतलब, मुसलमानों की एकता नहीं, पूरे देश की ऐसे हो कौमी तराना। फिर छोटे लेवल पे आके सिख कौम मुस्लिम कौम, मेरे देश का कानून है। मेरा मानना यह है अगर आपके पास एक पटवारी नाहल है तो सारे ऊपर एक इलाके को खराब करेंगे, एक पुलिस अफसर या एक सिपाही नाहल है तो जहाँ वो रहेगा एक जगह को 30 साल 35 साल नलायकी से काम करेगा। लेकिन अगर हमारे टीचर्स उस्ताद हमारे उस्तादा नाअहल है तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो। वेलकम टू रीसेंट टाइम्स, मैं ममून रशीद। अज फिर चोन सरगर्मियां दौरान एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हाँ थोड़े सामने। अज असी मिल रहे हैं साबका DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, जो चोन कंपेन देख रहे हैं मैडम रजिया सुल्ताना दी, बहुत बेबाक है और बोल्डनेस वास्ते मशहूर है, कल्ले मलेरकोटले दे विच नहीं पूरे पंजाब दे विच। और एडवाइजर हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी दे, जो प्रेजिडेंट हैं कांग्रेस दे पंजाब दे। आपां गल करांगे अज मुस्तफ़ा साहब दे नाल, और जो मोटिव है साडा अज गल करन दा, साडा मोटिव है मिशन और विजन 2022। एक प्रोग्राम है साडा, असी सारे पोलीटिकल जो लीडर्स हैं मलेरकोटले दे विच कंटेस्ट कर रहे हैं, सारे नूं मिलांगे। अज शुरुआत कर रहे हैं मुस्तफ़ा साहब तो, आओ मिलवाने थानू, आओ वेलकम कहिए। वेलकम सर, रीसेंट टाइम विच तुहाडा। सर सब तो पहले तो मैं पूछूंगा सर, आप कंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में, तो इस बार थोड़ा इस टेन्योर का की विजन है, की मिशन है सर? नहीं, मिशन और विजन एक टेन्योर का नहीं होता, मिशन और विजन पीढ़ियों का होता है जी। उसी को लेकर हम लोग चले हुए हैं। जब इलेक्शन होता है ना तो नॉन इश्यूज सामने आ जाते हैं, वो मुद्दे जिनका कोई अहमियत नहीं होती डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, नेचुरली मुखालफिन होते हैं और नॉन इश्यूज को उठा लेते हैं। तो बट उसकी वजह से मैं अपने मिशन से नहीं भटकता हूँ। मेरी नज़र में किसी हलके को, किसी कौम को, किसी मुल्क को तरक्की के लिए उनकी तालीमी बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैं मुल्क के लेवल पर काम नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे से लेवल पर काम कर रहा हूँ मलेरकोटले के लेवल पर। 5 साल पहले जब सरकार ने टेक ओवर किया, वक्फ बोर्ड हमारे पास तो आया ना डायरेक्टली, लेकिन 5 साल पहले भी जब वक्फ बोर्ड बना था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रजिया से कहा था कि मलेरकोटले में कोई दखल नहीं होगा चेयरमैन का। लोगों को नहीं पता शायद ये वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को भी पता था, चेयरमैन को भी पता था, और उन्होंने कभी दखल भी नहीं दिया। मलेरकोटले में वही हुआ जो हमने चाहा। आप देखे जाके जितने हमारे स्कूल्स थे बोर्ड के, 5 साल पहले कहाँ थे आज कहाँ थे, उनका न सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, हमने कोशिश की है कि मेरिट को प्रेसिडेंस दी जाए। मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी प्रिंसिपल को चेंज करने का वक्त आया, मैंने पूछा बुला के ऑफिसर्स को कौन काबिल है कॉलेज में, उन्होंने कहा एक लड़की राहिला खान है, वो काबिल है सबसे, लेकिन वो डरते डरते बोल रहे थे। मैंने कहा दबे लफ्जों में क्यों बोल रहे, कहते सर उनका पूरा खानदान दहाकों से अकाली दल रहा। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, तालीमी इदारों में मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। हमारे ऊपर 4-5 साल बहुत प्रेशर रहा हमारे लोगों से, जो रात दिन हमारे लिए मरते हैं पॉलिटिकली, जो लड़कियों का कॉलेज है, स्कूल है, सभा उसकी शायद प्रिंसिपल है, कहते जी वो कभी हमारे साथ मिले उनको बदलवा दो। मैंने पूछा अपने जो बोर्ड के लोग थे, CEO शौकत साहब इस बात के गवाह हैं, उन्होंने जो बोर्ड चलाया है ना, उन्होंने कहा जी काबिल ही है। मैंने कहा गो अहेड, इससे भी आगे बढ़ के मैं तालीम के मामले में मजहब को भी ले गया था, उन्होंने एक देव साहब कोई थे वो रखे जी, इनको बेहतर बनाने के लिए तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास झड़ी लग गई, मुसलमान हमारे जो साथी हैं वर्कर्स हैं, हिंदू रख दिया, हिंदू रख दिया, लेकिन मैं कन्विंस था इन चीज़ों में मैं हिंदू मुसलमान नहीं लेके आना चाहिए। अगर हमें एक काबिल हिंदू मिल रहा है तो क्या है, हम उसका फ़ायदा लें। मैं इतना कन्विंस था, शौकत जो CEO है
वो इस कौम की बेहतरी चाहता है। अगर उसके लिए हमें हिंदू भाई की किसी की स्किल्स मिल रही तो हम उसका एडवांटेज लेंगे। तो मैं इन चीज़ों से बहुत ऊँचे हूँ, ये मलेर कोटले वाले मुझे नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर है। अब आपने अगर तालीमी मेयार बढ़ाना है तो जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो काबिल होने चाहिए ना। अगर काबिल लेंगे तो आपको उनको मेहनताना भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी जो 4 साल से पेंडिंग था, हमने 1 महीने के अंदर अंदर एक बहुत काबिल लड़का तलाश किया, जो जिसकी सर्च कमेटी पहले काम कर चुकी थी। 4 लोगों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। 4ों में मैंने उनसे फ़ोन किया, शौकत साहब को कौन बेहतर था इनमें। अब उनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं जी। लेकिन मैंने उन्हें पूछा, कहते जी जावेद साहब हैं, उनका एक हिस्ट्री है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बहुत उन्होंने काम किया, 50,000 रुपये महीना उनका। मैं समझता हूँ उसकी काबिलियत में 50,000 रुपये भी कम है, लेकिन वो तैयार है कौम के लिए काम करने को, हमने उन्हें उसमें अपॉइंट किया। और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मेरिट मेरिट एंड मेरिट, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई कांग्रेस अकाली दल नहीं, कोई राजनीति नहीं। चूँकि मेरा मानना यह है, अगर आपके पास एक पटवारी नाहेल है तो सारी ऊपर एक इलाके को ख़राब करेगा। एक पुलिस अफसर या एक सिपाही नाहेल है तो जहाँ वो रहेगा एक जगह को 30-35 साल नलायकी से काम करेगा। लेकिन अगर हमारे टीचर्स उस्ताद हमारे उस्तादा नाअहल है तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये मेरी सोच है, मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता जी। इसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। एक मैं भी एक किस्सा सुन रहा था, रशिया में एक फिलोसफर थे, कोई फिलोसफर नहीं थे, कोई वो स्पिरिचुअल लीडर थे, मुस्लिम थे। उनके पास इलाके के लोग गए, अभी मैं सुन रहा था चंद दिन पहले, उनके पास इलाके के लोग गए, कहते जी समाज का क्या हुआ, इतना करप्शन हो रहा है, इतनी रिश्वत हो रही, कहते कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। फिर 2 महीने के बाद गए जी, ये फैक्ट्री सारी बंद हो रही है, यूनियनिज्म हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, क्या हुआ, कहते नहीं अल्लाह सब बेहतर करेगा। ऐसे वो जाते तो कहते अल्लाह बेहतर करेगा, कहते साहब फिर हम किस लिए आते हैं, कहते देखिए ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, ये बेहतर हो जाएंगी। जिस माशरे का निज़ाम, अगर हमारे उस्तादा ना अहल हैं ना काबिल हैं तो वो माशरा ख़त्म हो जाएगा। जब तक हमारे टीचर्स काबिल हैं और उनका एहतराम है, ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं। यही मेरा दिस इज आर्टिकल ऑफ फेथ। ओके, तो तालीम की तरफ मेरा जोर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी चीज़ें नहीं, हमारी एक मेरी सोच है अपनी। मैं जो है ना फ्री लांसर टाइप इंसान हूँ, मैं बंद के नहीं रहना चाहता। ये लोगों को नहीं पता मैं कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ। लोगों को गलत फहमी थी मुस्तफा इलेक्शन लड़ेगा, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ। मेरा ये भी क्वेश्चन था कि बड़ा हवा थी कि जी मुस्तफा साहब इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सब आदमी कहते थे, मैं खामोश रहा। कुछ लोग ये सोचते थे कि अमरगढ़ से परिवार माने, मैं परिवारवाद के सख्ते से खिलाफ, मैं अपनी पार्टी को इस पर जोर देता रहा कि एक परिवार में 2 टिकट नहीं देना, तो मैं कैसे दूसरा टिकट मांगूँ। नंबर 2, मुझे 1 साल पहले पूछा मेरी पार्टी ने, जो मैं पार्टी की बात करता हूँ एक ही आदमी की करता हूँ, जो सबसे ऊपर है, आप क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा मैं इसके लिए पैदा नहीं हूँ। फिर अभी मेरे बोर्ड शोर लगे तो बहम हो गया, लोकल प्रेस में आने लगा, उनको तो पता था। तो एक दिन उन्होंने पार्टी ने मुझे फिर पूछा कि फिर मन बना लिया। फिर मैंने अगले दिन एक ट्वीट किया कि अगर जरूरत पड़ी मैं अपने गांव जाऊंगा, मैं हल चलाऊंगा, मैं पशु चलाऊंगा, मैं खेत में फावड़ा चलाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता जिंदगी में। और मैं एक इंटरव्यू में मैंने कहा भी है, मैं कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर नहीं हूं, मैं कांग्रेस के डिसिप्लिन में नहीं बंधा हुआ हूं, मैं तो राहुल गांधी की सोच से जुड़ा हूं। बड़ा जरूरत वाला इंसान है, सच को कहना जानता है, घबराता नहीं किसी से। पहला इंसान देखा है मैंने, पहला सियासतदान अपनी ज़िंदगी में और हिस्ट्री बुक्स में जिसको ना सत्ता का लालच है ना पैसे का लालच है, एक सोच की तरह आगे बढ़ता है, मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। मैं कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर क्यों नहीं हूँ, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ। आज खुदा ना खासता राहुल गांधी के हाथ में क़यादत है पार्टी की, कल किसी और के में आ जाए जो बर्दाश्त ना करे मेरी सोच को, वो फिर एक 2 लाइन निकालेंगे, मुस्तफा को पार्टी से निकालेंगे। मैं वो दिन नहीं देखना चाहता, मुझे कोई पार्टी से निकाले, इसलिए मैं किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने देश के कानून के अंदर रह के काम करता हूँ, पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं रहता हूँ।
जी सर, एक एक यहाँ पे आपको डुकूंगा थोड़ा सा। एक आप मेरे को बताएं कि जो कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज है और इस्लामिया कॉलेज है यहाँ पे, और KMRDJ कॉलेज है, हम जो काम कर रहे हैं हायर लेवल एजुकेशन पे तो काम कर रहे हैं, अगर बॉटम लेवल की बात करूँ, खासतौर पर जो ड्रॉप आउट्स हैं, हमारी कम्युनिटी के ड्रॉप आउट्स हैं या SC कम्युनिटी है उसके ड्रॉप आउट्स हैं, और उन पे काम नहीं हुआ हम लेबर में बिल्कुल भी। एक तो दूसरे नंबर पे सर ITI है, ITI का एडवांटेज नहीं मिल रहा। मैंने एक प्रिंसिपल साहब है यहाँ पे ITI के, उनकी इंटरव्यू की थी, उन्होंने मेरे को कहा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपके स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल नहीं है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं। ये जो हायर एजुकेशन तो ये तो है ही हमारा जो फोकस है। अब पांच ब्रांच हैं, पांच ब्रांच में जाके देखो, ज़ैनब अख्तर ने कोई चेयरमैन पांचों प्राइमरी ब्रांच में नहीं गया, सात है वैसे, दो और ऐड है उनमें, उसने सबको विजिट कर लिया है और उसके लिए पैसा सेंक्शन किया है। मैं सारे स्कूलों में गया हूँ, मैं कह के आया हूँ पैसा आपकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगा, मैं दूसरे कामों को रोक लूँगा। हमारा तो सबसे नया ज़िला है, सबसे छोटा ज़िला भी है, 4.5 करोड़ रुपए में जच्चा बच्चा वार्ड, सीजीरियन ऑपरेशंस ले जाओ जी, लुधियाने ले जाओ, फिर क्या है, गरीब आदमी 25,000 कहाँ देगा, वो यहाँ पे पैदा कर देगी। फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई, प्राइवेट अस्पतालों में होता, सरकारियों में बहुत कम होता है, मलेरकोटले में वो फंक्शनल होने जा रही है। तो मेरा ध्यान इन चीज़ों पे, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सुनिए, हमारे बहुत तगड़े सपोर्टर्स हैं मलेरकोटले में, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था हॉस्पिटल की वर्किंग से, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चूँकि वहाँ पर गरीब लोग जाते हैं, उन पर फोकस करते हैं। ये सारा डेवलपमेंट रिलेटेड, ये सारा सिंगल हैंडेडली रज़िया ने किया है। मेरा तो जो कंट्रीब्यूशन मलेरकोटले को, जो दो रज़िया ने वायदे किए थे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बेईमान हो गया था, वो मैंने राहुल गांधी से पूरे करवाए। एक ज़िला बनाना जो बहुत बड़ा लोग कहते थे सपना है, सपना ही था, सपना अल्लाह ने पूरा किया ना, मेडिकल कॉलेज का सारी तैयारी मुकम्मल। ये जो है ना देर, सरकारें जब जाती है ना खजाने खाली छोड़ के जाती है, आपको पता है। अब हमने भी वही कुछ किया जो पहले करते रहे, तो जब दोबारा आएंगे फिर खजाने भरने में टाइम लगता है ना, तो आखिर में सभी सरकारों के आखिरी साल में ही होता है। फिर ये बहुत मेजर, आप मुझे बता दो 117 हलकों में स्टोम वाटर फैसिलिटी कितने शहरों को दी गई इस बार? ये जो बड़े बड़े बम्बे डल रहे हैं, पाइप चल रहे हैं, तो भाई खोदनी पड़ेगी ना सड़कें। हमें तो कहा था MD साहब आए थे यहाँ 6 महीने पहले कि काम रोको, इलेक्शन का नुकसान होगा। हमने कहा हम इलेक्शन का नुकसान नहीं देखते, हमें क्या पता बाद में सरकार हमारी आए ना आए। अगर हमने डालना शुरू नहीं किया, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हुआ तो दूसरे रोक देंगे। मैं जानता हूँ मामून साहब, उर्दू अकेडमी बहुत बड़ा कोई लंबा चौड़ा तूफानी प्रोजेक्ट नहीं है, उसको जहाँ छोड़ के गए थे ना 2006 में, 10 साल के बाद भी वो वहीं मिला। मैं किन की बात करूँ, इन लोगों की सोच है, इन लोगों की सोच तो है अगर हम जीत गए मुस्तफा को ठीक करेंगे, अगर हम लोग जीत गए मुस्तफा को निकालेंगे यहाँ से, ये इनकी सोच है। मैं तो इनके बारे में खुदा की कसम में सोचता ही नहीं। ये तो यहाँ इलेक्शन में जब आप बोल रहे हैं, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन मुस्तफा नहीं लड़ रहा है, नरजिया लड़ रही, एक सोच लड़ रही है। शायद को समझ में आ गई कि इसकी एक सोच है, पूरे देश की BJP क्यों मेरे खिलाफ खड़ी है भाई। मैं तो हिंदू मुस्लिम को साथ देखना चाहता हूँ। हमने गौशालाओं को भी 15 लाख रुपया दिया है अपने डिस्क्रिशनरी कोटे से, अगर मैं हिंदू मुखालिफ हूँ क्यों दूंगा भाई उसे? मनोज है, पक्का सच्चा हिंदू है, उसके वार्ड में पूछो कितना रुपया दिया हमने। या आप मुझे बताएं ज़िला बना उसका मुसलमानों को फ़ायदा है क्या? उस पर लिखा है कि यहाँ पे DC और SSP को सिर्फ मुसलमान मिलने आएंगे। लेकिन ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें, राहुल गांधी इनको हिंदुत्ववादी ताकतें कहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये बांटना चाहते हैं। ये कौन ताकतें हैं? ये वो ताकतें हैं जो गौड़से की सोच से ताकत लेती हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ महात्मा गांधी की सोच से, जिसने धरना दिया भूख हड़ताल की कि मुसलमानों का कत्लेआम ना करो। गोडसे ने 3 गोलियां उसकी छाती में उतारी कि तू मुसलमानों की बात क्यों कर रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद हुई, कहते मुसलमान मुक्त भारत बनाओ। वहाँ पे ये भी तकरीर हुई कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता डॉक्टर मनमोहन सिंह के सीने में 7 गोली उतारता। क्यों? कि उसने ये क्यों कहा कि इस देश के जो रिसोर्सेज है उसमें मुसलमानों का भी हक है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक किसका होता है? यहाँ 10 लोग बैठे, 2 भूखे बाकी खाना खाए, तो अगर कोई रोटी आती पहले भूखों को देंगे ना। ये महात्मा गांधी की सूर है।
मैं देश के लिए लड़ाई लड़ी, मैं क्यों नहीं लड़ता इनसे, मैं देश के लिए भी लड़ता हूँ। मैंने शहर में अपने बच्चों को पाठ पढ़ाता हूँ, 22 साल से पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई काम ना करना जो मेरे देश के खिलाफ, मुझे शर्मिंदा मत करना, मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकूँगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। इस शहर की तकरीबन हर मीटिंग में 2 मिनट इस पर बात करता हूँ। मेरा मज़हब मुझे सिखाता है कि मुझे जिस देश में रहना है उससे वफादारी करनी है, और वफादारी नहीं, मैं तो बहुत आगे गया उससे। भारत सरकार ने उसको पहचाना है, भारत सरकार ने जितने मुझे मेडल दिए बहादुरी के, देश के लिए लड़ने के लिए, हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद किसी में नहीं है जी। तो मैं क्यों डरूं उनसे? 5 साल में शहर में बदमनी फैली क्या? आप एक किस्सा बता दें, आप 22 साल में, मैं दावे से कहता हूँ, चैलेंज कहता हूँ, एक मुझे कोई गैर मुस्लिम, सिख भाई, दलित, हिंदू भाई आके कह दे कि मज़हब के नाम पे मुस्तफ़ा ने हमारे साथ जाति की, मैं अपना बिस्तर बोरिया उठा के चंडीगढ़ चला जाऊँगा जी। ये मेरी सोच नहीं समझते, इनको तकलीफ क्या है कि कौम की क्यों बात करूँ? मैं तो करूँगा भाई, मैं क्यों नहीं करूँगा कौम की बात? मैं देश की भी करता हूँ, मैं कौम की भी करता हूँ। और जब वाइडर सेंस में आप कौम की बात करते हो, कौमी एकता, कौमी एकता का क्या मतलब है? मुसलमानों की एकता नहीं, पूरे देश की एकता, ऐसे हो कौमी तराना। फिर छोटे लेवल पे आके सिख कौम, मुस्लिम कौम, मेरे देश का कानून मुझे तो नहीं रोकता। हम बात करते हैं ना भाई, इसमें 2 टिकट बैकवर्ड को दो, 2 टिकट दलित को दो, 2 टिकट मुसलमानों, क्यों दिए जाते हैं ऐसे? ताकि वो आप अपनी कौम का सेगमेंट का ख्याल रख सकें। ये कहते नहीं, पट्टी पैसा ले लो पर मुँह के पट्टी बांध कर रखो। पट्टी नहीं बांध सकते मेरे मुँह पर, मैं हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मेरी पार्टी टिकट देती ना रजिया को, इसलिए देती है कि मुसलमान दबा कुचलाए, उनकी आवाज़ पहुंचाओ चंडीगढ़, तो वो जाएगी, जाती रहेगी। सर एम्प्लॉयमेंट को लेकर इस बार इस टेन्योर में आपका क्या प्लान है, मतलब कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाओगे? देखिए एम्प्लॉयबिलिटी तो ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओवर नाइट आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छी बात यह खुशी की, अब सब काम मेरिट पर हो रहे हैं। पहले हम लोगों को शिकायत रहती थी भाई, जिनकी बड़ी बड़ी सिफारिशें वो आते, अब ये कैप्टन अमरिंदर ने अच्छा काम किया था पहले टेन्योर में, ये मेरिट बेस भर्ती शुरू हुई थी, अब दूसरी सरकारें भी कैरी फॉरवर्ड कर रही, कोई इंटरव्यू नहीं होता, मेरिट पे होता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने अपनी पार्टी के लीडरों से बात की, वो कन्विंस हुए और पंजाब सरकार को उन्होंने हिदायत भी दी कि आप मास्टर रख सकते हो नंबरों के बेस पे, पटवारी रख सकते हो, आप दूसरे महकमों में रख सकते हैं, डॉक्टर रख सकते हो, लेकिन पुलिस में और फौज में इंटरव्यू ज़रूर होना चाहिए। चूँकि पुलिस और फौज नंबरों के बेस पे नहीं चलती, उस पर आपका जज्बा देखना है, आपकी जुर्रत देखनी, आपका देशभक्ति का जज्बा देखना, आप में जुर्रत है कि नहीं, क्या आप बंदूक चला लोगे जब भीड़ आपके सामने आएगी, आप दुश्मन को फेस कर लोगे कि नहीं, फौज में इंटरव्यू है। तो मैंने आर्ग्यू किया कि पुलिस में भी इंटरव्यू होना चाहिए, उसमें आप फिर जो गरीब तबके हैं, जो डिजर्विंग हैं लेकिन मार्शल कौम है, जो लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके 100 नंबर हो सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हर जगह मैं SP जलंधर था, सुरेश रोड़ा SSP थे, एक लड़का हम इंटरव्यू ले रहे थे, उस वक्त 100 नंबर रिटर्न के थे जी, 100 इसके थे इंटरव्यू के, एक लड़के के 100 में से 100 रिटर्न। लेकिन हमने जो उसकी फाइलें पलट के देखी, वो पुलिस के लायक नहीं था, तो क्या करें? वो मेरे SSP रोड़ा साहब कहते हैं इसको तो नहीं लिया जा सकता, नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसको एक भी नंबर देते तो भी आता वो, हमने उसको 0 दिया, तब काटा। वो सीरियस रीजन थे, वो जेन्युइन रीजन थे उसको काटने का। तो इसलिए पुलिस में मैं कन्विंस हूँ कि पुलिस में 100 नहीं, 100 हमें तो बड़ी डंडी मार सकता है, पहले 4 होते थे, अब ख़त्म हुआ, 15 होने चाहिए। मेरी कोशिश है और मेरी सरकार, कांग्रेस सरकार आ गई, वो इस बात पर मुत्तफिक भी है, उन 15 नंबर से हम अपने लोगों की मदद कर पाएंगे जो देश का जज्बा रखते हैं, देश के लिए लड़ सकते हैं। आपके 100 में से 100 होंगे, अगर आप कायर हैं तो क्या करोगे आप? तो बाकी एम्प्लॉयबिलिटी तो बढ़ाने के लिए तालीम लेके आनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में बेहतर एजुकेशन दोगे, उन्हें बेहतर मौके देंगे, आप उनको कोचिंग देंगे, हमने कोचिंग शुरू की, जुमा मस्जिद में वक्फ बोर्ड की तरफ से हमने लाइब्रेरी खोल दी लड़कियों की, उसमें फैसिलिटी किस लिए हुआ? एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने के लिए ना, ओवर नाइट नहीं, स्किल डेवलपमेंट। इसमें अपनी उर्दू अकेडमी में हमने इसको खाली मुशायरे करने के लिए नहीं रखा गया,
इस्कान तालीमी अपने जो मिशन है उसको बढ़ाने के लिए है, उसमें कोचिंग गाइडेंस सेल है और मैं इंशाल्लाह खुद मैं इस फील्ड से निकला हूँ, मैंने हालांकि कोई कोचिंग नहीं ली जी, मैं जाया करूँगा क्लास लिया करूँगा बच्चों के अपने। इससे आगे बढ़ के मेरा ऐलान है कि जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिनको लेकिन फीस नहीं दे सकते डॉक्टरी की MBBS की इंजीनियरिंग की टेक्निकल उसकी फीस वक्त बोल रहे जी, इस सोच के साथ मैं चल रहा हूँ। मेरा मिशन ये नहीं इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन। जी जी जी। अच्छा मुसर साहब एक वो सेम क्वेश्चन जो शहर में आता है कि सर किसी न किसी कारण से डिले तो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो चल रहा है, सड़कें बन रही है या मतलब पुल का इशू है, उसमें आपकी इस पे क्या टिप्पणी? आप ये तो मानते हो कि डिले तो हुआ है ये काम? नहीं नहीं सुन तो लीजिए जी, डिले हुआ ना, आप कैंसर का इलाज करेंगे सर दर्द का इलाज तो नहीं करेगा जी जी, या बुखार का इलाज तो नहीं ना डोलो ली और आप 24 घंटे में ठीक हो गए, नहीं करेंगे ना मसल रिलैक्सेंट ली आपको जी। ये जो शहर में कैंसर था ये जो ड्रेनेज वाटर को बाहर निकालना था स्टॉप वाटर सप्लाई, एक तो सरकार से आपको पैसे आखिरी साल में मिले जी, फिर ओवरनाइट तो हो नहीं सकता था, कितने पाइप डल रहे सड़कें खुदेंगी कि नहीं खुदेंगी, तो जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे तो विल टेक टाइम, और हम उसे लीपापोती तो कर लेने दी कि ओट लेने के लिए, मैंने कहा मैं समझा लूँगा अपने लोगों को, लेकिन ये बीमारी दूर होनी चाहिए, जितना पानी रहता था उसका कुछ तो करना था। सीवरेज देखिए आप, सीवर पाइप कहाँ थे, लाइन से उधर था गई था पे गई पे, पुल की बड़ी बातें करते कौन करता, कोई नहीं करता, ये फितने पान चार, मैं ठेकेदार हूँ क्या या मेरे रिश्तेदार ठेकेदार है क्या या मैं किसी को बख्श रहा हूँ क्या? पुल में जो खामी है उनको सजा मिलेगी, दे विल बी ब्लैक लिस्टेड, दे विल बी अरेस्टेड, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। तो आज जो कमीशन खाते मैं बोलता हूँ कि इस प्रधान ने बड़ा करप्शन किया, बोलता हूँ ना जो प्रधान हटाया हमने जो कमीशन के हिस्सेदारी देते बहुत कम लोग हैं पंजाब में जो लेने के रिश्तेदार, उनकी जरूरत है बोलने की? चूँकि मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाते मेरे ऊपर ये नहीं कह सकता मैं फिरका प्रस्त हूँ, मैं किसी कौम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, और मेरे ऊपर मलेक उल्डा उसके ऊपर कोई बेईमानी का नहीं लगा सकता, हमारा स्टाफ है तारीख और दरबार से तारीख की बड़ी शिकायतें आती हैं, बड़ा ड्राई है हाँ है, लेकिन पैसे का एक बता दो उसके 20 साल हो गए, मैं 1 रुपए का जिस दिन मुझे पता लग जाएगा कान पकड़ के बाहर कर दूँगा। ऐसे जिन लोगों की मुझे शिकायत मिली मैं एक दिन मेरे साथ नहीं मामूल भाई मेरे पास बेईमान आदमी नहीं चल सकता है, ये जो बाहर मैं किसी का नाम नहीं ले लें जो मेरे खिलाफ़ भौंकते हैं तो मैं लुटवा दूँ मलेक उल्डा को इनसे, ये जो फितने हैं फेडरेशन वाले पिछली बार कांग्रेस के झंडे उठाए मिल रहे थे, इन्होंने सोचा था कांग्रेस की सरकार आएगी लूटेंगे, जब पहले मैंने मुझे पता लगा है सर सॉरी इसकी मैं इजाज़त नहीं लूँगा, जायज़ आपने मेरी मदद ले ली लो, ये उससे पहले मेरी मदद लेते थे कि मस्जिदें खुलवानी पूरे पंजाब में मैं फ़ोन करता था जायज़ काम के लिए, पर ठगी की इजाज़त नहीं मेरे यहाँ, वो गुंजाइश नहीं है, सारा शहर जानता है मैं ठगों को नहीं घुसने देता मलेक उल्डा उसको, तो फिर वो। अच्छा मुसा साहब ये बताएं कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात जो मेरे मन में है मैं ये चाहता हूं कि आप उसको डिस्क्लोज करें कि आने वाले टेन्योर में आपकी सरकार आती है तो मलेरकोटला मतलब कहां देख रहे हो? मैंने कह दिया ना एक लाइन में सब कुछ कह दिया जी, जब जिले का वायदा किया मेडिकल कॉलेज का आप पूछो जाके ओएस भाई से, अच्छा आदमी मैं अच्छा आदमी मानता हूँ, कहते थे सपना दिखा रहे हैं ख्वाब दिखा रहे हैं, वो कहते थे मैं जाऊँगा वहाँ पर सम्मानित करके आऊँगा, कहो उनको करे सम्मानित, सपना था लेकिन पूरा किया ना, और ये कोई रातों रात नहीं कोई प्रयोगी कहानी नहीं है कि ताबीज़ पड़ा और अलादीन का चिरा गया जिला बन गया जी। 1 साल पहले रजिया ने बयान दिया था इंटरव्यू दिया था, मैंने पिछले साल म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में अगले दिन कि अगर हम जिला नहीं बना सके मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं करा सके तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसी भरोसे पर कहा था। अब मैं एक लाइन में कह रहा हूँ अभी ज़िला बनाया है अब इसकी शान बनाएंगे इसकी पहचान बनाएंगे, सारे हिंदुस्तान में पता होगा मलेक उल्डा ज़िला क्या है, शुरुआत आपने देख ली ना इतना सा ज़िला है ये कितना सा हॉस्पिटल 4 फैसिलिटी मैंने गिनाई, आप देखते जाओ मेरी सोच इनकी तरफ तो जाती नहीं, मैं तो मुझे याद ही नहीं रहते, मैं तो चलते चलते चन्नी जी के साथ आई एम ग्रेटफुल टू हिम दिल्ली जा रहे थे किसी काम से पोलिटिकल हेलीकॉप्टर में, तो रास्ते में बात हुई मैंने फ़ायदा उठाया 10 करोड़ रुपये है जाओ उसके लिए जी।
तो मैं इस तरफ मेरे चलती है, हज हाउस तो एकदम यूज होगा ना, बाकी कम्युनिटी यूज करेगी उसे, मेरी कॉम यूज करेगी, कॉन्फ्रेंसेज में यूज होगा, उसमें हम लाइब्रेरी रखेंगे, ऐसे कामों में यूज करेंगे। तो मेरी सोच का दायरा बहुत वसी है जी जी। मेरी सोच का दायरा ये नहीं मैं जीत जाऊँ तो मैं इसको ठीक करूँगा, इसको ठीक करूँगा, अल्लाह खुद ठीक करेगा। नहीं, आई विल मूव अहेड। मैं इस शहर को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। इस शहर की ये तो लोग आप बड़े भूल जाते हैं ना, हमें हवा मिल रही है, एहसास ही नहीं कि अल्लाह ताला हमें हवा दे रहा है। कोरोना में पता लगा ना कितनी कीमती चीज़ है ना, जब सिलेंडर ढूंढते फिरते थे। ये क्या था हाल सड़क का जलंधर, ये मलेरकोटला लुधियाना, जब डिलीवरी के लिए हमारी बहनें माएँ जाती थी तो सड़क का ये हाल था, रास्ते में हो जाता था काम करना। किसने बनवाई? प्रताप बाजवा PWD मिनिस्टर थे, 20 अप्रैल या 19 अप्रैल 2005 को उद्घाटन कराया, 70वें नंबर पे पास दिए, 70वें से पहले पहले क्या है, मलेरकोटला टू नाभा, कैप्टन अभिनंदन ने पटियाला से नाभा ला के छोड़ दी थी। मैंने और रजिया ने गुजारिश की कैसे मलेरकोटला तक एक्सटेंड करो, ये खन्ना रोड आपने देखी रबड़ जैसी क्यों रहती है, मुस्तफा की वजह से रहती है। ये लोग तो भूल जाते हैं ना, इंडस्ट्री तो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई हैं ना, उनको इस बात का कोई एहसास नहीं। सड़कें बढ़िया बन गई, सारी फैसिलिटी आ गई, जिला बन गया, ये बन गया, और उनको तो बस ये है कि मुंह पे चेपी क्यों नहीं लगाते हैं, ये मुसलमानों की तरक्की की बात क्यों करते हैं। मेरी लड़ाई इस सोच के खिलाफ, मेरी किसी कौम से लड़ाई नहीं, किसी फर्द से लड़ाई नहीं, इस सोच से लड़ाई है मेरी। मैं अपनी सोच में आगे बढ़ूँगा। हर बार कहते इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हर बार होता है कि नहीं होता? मज़े की बात सुनिए, BJP और RSS किसको वोट दे रहे बताओ मुझे, किसके साथ अलायंस है उनका? कैप्टन अमरिंदर से। कैप्टन अमरिंदर को एक वोट भी नहीं मिल रहा है, फरजाना आलम को एक वोट भी नहीं मिल रहा BJP RSS का, एक एक वोट झाड़ू पे जा रहा है। क्यों? मुस्तफा को हरा, मुस्तफा को हरा नहीं सकते, मुस्तफा तो एक सोच का नाम है, कैसे हराओगे उसे? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ता, कैसे मुझे हराओगे? मैं ऐसा मौका ही नहीं देता कि मुझे कोई हराए। कॉम्पिटिशन में तो हाँ, मुझे कैसे हराओगे आप? मेरी सोच है उसको हरा के दिखा दो, ये सोच जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। चलिए मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इतना टाइम आपका ले लिया। आपकी सोच पता चली, हमारे व्यूज तक भी पहुंचेगी और मलेरकोटला के लोगों तक भी पहुंचेगी, और एजुकेशनली जो आपने कहा काम हुआ है और फायदा हुआ है, आपका फोकस बेसिकली एजुकेशन पे होगा। एजुकेशन है वो जरूरी है जी, वहीं से मेरी शुरुआत है, वहीं पर मेरे मिशन की ख़त्म होगी, चूँकि सारी चीज़ें वहीं से निकलनी है जी। मैं आज ये काम क्यों कर रहा हूँ? चूँकि मेरे बाप ने मुझे एजुकेशन दी, एजुकेशन से फिर एम्प्लॉयबिलिटी हुई, मैं इस जॉब में आया, फिर सारी चीज़ें उसमें से निकल रही ना, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक होंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गल कर रहे थे AGP मुस्तफा साहब, इन्होंने बड़ा बेबाकी जो इनका स्टाइल है, बोल्डनेस नाल जवाब दिता हरेक सवाल का, और मैं उम्मीद करता कि यह अपनी गल रख के बाकी जो डिसीजन है मलेरकोटला की जनता का, वो आने वाले समय के आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।